राधे राधे। आप सभी को धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयाँ। मित्रों, आज का युग अर्थ प्रधान युग है। प्रत्येक व्यक्ति की कामना होती है कि उसके पास भी अर्थ हो, लक्ष्मी हो, धन दौलत हो, उसके भंडार भरे रहें, उसको किसी प्रकार का अभाव ना हो, दुख ना हो। व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसके पास में उतना धन दौलत नहीं हो पाता जितना वो चाहता है। तो आज हम आपको तीन उपाय ऐसे बताएंगे जिनके करने से आपके यहाँ भी धन दौलत की बरसात होगी एवं आपके यहाँ भी भंडार भरे रहेंगे। पहला उपाय है, आपको चावल के 11 साबुत दाने लेने हैं। आप चाहें तो इन्हें हल्दी से भी रंग सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कोई भी टूटा हुआ चावल ना हो। लाल कपड़े में बांध करके अपने भंडार में रख लें, खजाने में रख लें। दूसरा उपाय है, बाजार से 11 गोमती चक्र ला करके पानी से धो करके आप हल्दी से इनका पूजन कर लें और इनके लिए भी लाल कपड़े में बांध करके भंडार में रख लें, खजाने में रख लें। तीसरे उपाय के बारे में हम जानेंगे। धनतेरस के दिन आप सोना, चांदी, तांबा, पीतल इत्यादि किसी धातु का पात्र अथवा आभूषण गहने खरीद सकते हैं। और आप धातु के पात्र या आभूषण खरीदने में असमर्थ हैं तो आप स्टील का भी कोई पात्र अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि उसके लेने से आपके यहाँ साल भर तक धन की बरसात एवं भंडार भरे रहेंगे। और साथ में एक झाड़ू भी अवश्य लेके आएँ और पूजन के दिन झाड़ू की भी साथ में पूजा कर लें, जिससे झाड़ू के द्वारा जो दरिद्रता रूपी कचरा है वो आपके यहाँ से निकल जाए और आपके यहाँ लक्ष्मी जी आकर ठहर जाएं, आपके भंडार भरे रहें। मित्रों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं जनमानस के लिए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। राधे राधे।